Hey guys, this is Shamim and welcome back to my channel Kibakibi. So in my last video, I extensively discussed about Photoshop. I tried to make a tutorial for Photoshop for beginners, like ultimate beginners, जिन लोगों ने पहली बार Photoshop खोला होगा या फिर जो लोग बहुत नए हैं Photoshop को लेके. For them, I made a tutorial. You can check out the tutorial with this link or link in the description after watching this video. So वो video बनाते वक्त बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे. मैंने बहुत सारी चीज़ों को बोला था कि I'll make a further video, I'll make a video later on those topics, क्योंकि बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं. So today मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों में से एक चीज़ को कवर करूँगा, which is what is RGB and CMYK. जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि these are two color forms जिसमें डिज़ाइनिंग की जाती है. बेसिकली like there are सम सेक्शंस की जहाँ पे हम लोग को RGB में डिज़ाइन करना है, देन देयर आर सम सेक्शन जहाँ पे हम लोग को CMYK में डिज़ाइन करना है. अगर आप ये फोटोशॉप ओपनिंग विंडो को देखेंगे, यहाँ पे व्हाइल यू डिसाइड व्हाट टू डू इन फोटोशॉप, अगर आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कितने विड्थ का, कितने हाइट का, कितना रेजोल्यूशंस का, वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है RGB और CMYK. हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे, व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली क्या होता है कि असमीज़ में हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, वहाँ पे एक पोएम आता था. द पोएम वॉज अबाउट कलर. सो रंगा नीला हलोदिया अकोल खोरिया, लाइक दैट द पोएम स्टार्टेड. सो उस पोएम में बहुत सारे कलर्स के बारे में हम लोग को सिखाया गया था. आई एम श्योर आप लोग को भी पता होगा. सो वहाँ पे ही ऐसा बोला गया था कि कलर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो जैसे एज द नेम सजेस्ट RGB इज़ रेड ग्रीन ब्लू. तो आप लोग को पता है कि जो कलर व्हील है, जो रेनबो कलर्स हैं, उनको अगर आप मिक्स कर दोगे तो वाइट बनता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो ब्लैक बनता है. ठीक है, दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर. लाइक अगर आप देखोगे, प्रेजेंस ऑफ ऑल द कलर्स इज़ वाइट एंड एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स इज़ ब्लैक. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स. अभी यहाँ पे चैलेंज क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ. RGB सपोज रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू को आप मिक्स करके यू कैन रिप्रेजेंट एनी कलर इन दिस वर्ल्ड. इसीलिए चैनल्स है फोटोशॉप में कि आप रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, इन तीनों चैनल को एक साथ कर दोगे तो आपका पूरा इमेज बन के आएगा. पुराने टीवी जब खराब होती हैं तो उसमें एक कलर चला जाता है. सो मे बी रेड चैनल एब्सेंस हो गया तो कलर, तो जो टीवी का कलर ना बहुत पेल आता है, कुछ येलोइश टोन का आएगा, कुछ ऐसा. आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा. बहुत सारी टीवीज़ में, पुराने दिनों की टीवीज़ में ऐसा होता था. सो दैट इज़ कॉल्ड चैनल्स, रेड चैनल, ग्रीन चैनल एंड ब्लू चैनल. सो RGB वर्क्स फाइन फॉर डिजिटल. अगर आप फेसबुक के लिए कुछ बना रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रहे हो, अगर आप वीडियो बना रहे हो, नाउ डेज मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर ओनली प्ले इन डिजिटल फॉर्म, तो आप वीडियोज़ आराम से RGB में बना सकते हो. तो अगर आप लोग पूछोगे कि RGB सब कुछ कर सकता है, देन वाई वी नीड CMYK. Now CMYK is cyan, magenta, yellow and key. CMYK. Key is black. Key color को हम लोग black color बोलते हैं. So concept is as simple as that. आप लोग ये समझिए कि suppose मैंने RGB में एक design बनाया, ठीक है. The design I made in RGB जो बन के रेडी हो गया. अभी उस design में कुछ areas में white हैं, ठीक है. मैंने कुछ white छोड़ दिया है उस design में. तो basically क्या होता है, आप design को white paper में ही print करोगे, तो जब वो डिज़ाइन प्रिंटर के अंदर जाएगा, प्रिंटर उसको प्रोसेस करेगा. सो हाउ प्रिंटर विल प्रोसेस, जब उसको वाइट प्रिंट करना होगा. जस्ट इमेजिन प्रिंटर को RGB को मिक्स करके वाइट प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, RGB तीनों कलर को, मैं ऐसा नहीं होता है एक्चुअली प्रिंटर्स के अंदर, मैं बस आपको सिस्टम समझा रहा हूँ कि अगर प्रिंटर विल ऑपरेट इन RGB, सो टू प्रोड्यूस वाइट ही विल पुट ऑल द कलर्स देयर, ठीक है. तो वाइट प्रिंट हो गया, बट हाउ ही विल प्रोड्यूस ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर मीन्स कहीं पे भी कलर नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं है. प्रिंटर को अगर कोई भी कलर प्रिंट नहीं करना है, दैट विल प्रोड्यूस ब्लैक. तो सपोज एक प्रिंटर RGB प्रिंट कर रहा है एंड ही नोज़ कि ये पोर्शन में कुछ भी कलर नहीं आना है बिकॉज दिस इज़ ब्लैक, तो वो उस पोर्शन से सारे कलर को स्किप कर देगा. बट अगर आप वाइट पेपर में उसको प्रिंट कर रहे हो तो, और उसमें कोई भी कलर नहीं है, तो वो क्या ब्लैक आएगा, वो नहीं आएगा. दैट विल बिकम वाइट बिकॉज यू आर प्रिंटिंग इन अ वाइट शीट ऑफ पेपर. टू सिंप्लीफाई दिस कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जब CMYK नहीं रहा होगा, ठीक है, जब सिर्फ RGB से हम लोग काम कर रहे थे. सो सपोज किसी ने RGB प्रिंटर बनाया तो, और आपने RGB डिज़ाइन कर दिया, तो आपने वाइट शीट डाला उसमें, ठीक है. वाइट शीट डाल के अगर वो प्रिंटर उधर प्रिंट करेगा, सो हिल प्रिंट एवरीथिंग. अगर जहाँ पे वाइट उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हिल पुट एवरी कलर, तो इट विल बिकम वाइट, इट्स फाइन. बट वेर एवर यू नीड ब्लैक, तो इट्स गॉन. तो अगर किसी इमेज से ब्लैक चला जाता है, अगर आपको लगेगा कि ये इमेज डार्क नहीं है, इस इमेज में ज़्यादा ब्लैक नहीं है, फिर भी उस इमेज में ब्लैक होता है। तो फॉर दिस एग्जांपल, दिस इज़ ए इमेज एंड दिस इज़ ए इमेज विदाउट ब्लैक। इसमें से ब्लैक को मैंने गायब कर दिया है। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद प्रिंटर्स। प्रिंटर्स कैनॉट प्रिंट RGB बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर वाइट, क्योंकि वाइट कलर के पेपर्स में भी सस्ते आते हैं, तो इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट, कुछ तो ऐसा होगा। देयर कम्स CMYK। अगर आप कलर व्हील को देखोगे, सो दिस इज कॉल्ड अ कलर व्हील, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बना सकते हैं। दिस ट्राइंगल इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसी ट्राइंगल को आप थोड़ा शिफ्ट कर दोगे, देन यू विल गेट सियान, मैजेंडा एंड येलो कलर। So when you see this visually, it becomes so clear why RGB and CMYK is different. At the same time, they are very same. किसी कलर को कोई कलर रिप्लेस कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। We are dividing a 3-color science into a 4-color science because we want to incorporate black in there. तो जैसे ही CMYK, सियान, मैजेंडा, येलो की कलर आ जाता है एक प्रिंटर को, ए प्रिंटर विल प्रिंट CMYK। तो CMYK प्रिंटर्स वर्क लाइक दिस कि वो वाइट को स्किप कर देगा, बट ही विल प्रिंट ब्लैक, क्योंकि पेपर तो वाइट ही है। वाइट स्किप कर देगा मतलब वहाँ पे वाइट दिखेगा। वैसे भी जहाँ पे भी ब्लैक चाहिए वहाँ पे वो की कलर डाल देगा, ब्लैक कलर। इसीलिए आप देखिए कोई भी प्रिंटर, अगर आपके घर में भी प्रिंटर है तो आप लोग देखोगे वहाँ पे 4 कार्ट्रिजेस रहते हैं, CMY एंड की कलर, ब्लैक कलर। और सबसे ज़्यादा ब्लैक ही खत्म होता है, मोर फ्रिक्वेंटली ब्लैक गोज ओवर, क्योंकि ये तीनों तो कंपेंसेट कर देता है कि थोड़ा थोड़ा इधर से, थोड़ा थोड़ा उधर से, लेकिन ब्लैक को फुल ब्लैक प्रिंट करना होता है। जहाँ पे भी ब्लैक रहेगा फुल ब्लैक प्रिंट होगा। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ RGB एंड CMYK। तो अगर सोशल मीडिया के लिए आप काम कर रहे हो, आप RGB में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट के लिए भेज रहे हो, तो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त उसको CMYK सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कलर्स विल बिहेव वेरी डिफरेंटली। अगर आप CMYK करना भूल गए, आपने RGB में पूरा डिज़ाइन बना दिया, देन लेटर ऑन आपको याद आए कि अरे यार ये तो CMYK में करना था, देन यू जस्ट चेंज द मोड एंड एवरीथिंग लुक्स डिफरेंट, कभी कभी तो डिज़ाइंस खराब भी हो जाते हैं। सो विद दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो अबाउट CMYK एंड RGB। आई होप डिफरेंस आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा, द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग अ डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज शमीम, एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लर्न समथिंग न्यू, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।